नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2021 के लिए कौन सा स्टेट आपके लिए सेफ हो सकता है, कहां से आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टेट बेहतर हो सकता है ग्रामीण क्लर्क के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पिछले 3 साल का मैंने कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है ना। पिछले 3 साल का कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, और इस कट ऑफ को देख के आप जोन को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे यही काम करने वाले हैं। कट ऑफ देखेंगे, जहाँ का कट ऑफ कम होगा वहाँ अप्लाई कर देंगे, तो बट ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने होम स्टेट को ही प्रेफरेंस कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि होम स्टेट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो हर जगह पे 5 गुना बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। जितने भी सीट होंगे उसका 5 गुना बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मेंस में जाके क्या होता है ना कि कंपटीशन इक्वल हो जाता है। जो भी फाइट आपका देखने को मिलेगा वो प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, मेंस में नहीं। बट आपको अगर आप अपने होम स्टेट में फिल करते हैं तो वहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे बिहार के बच्चे बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा वैकेंसी है। हरियाणा के बच्चे हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे लगता है हरियाणा के बच्चे हरियाणा में अप्लाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा खासा वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में। इस बार इतने में फाइट किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आप अप्लाई कीजिए, मतलब वहाँ के बच्चे हैं तो वहीं पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है हिमाचल प्रदेश से मैं ठीक ठाक आपको कट ऑफ देखने को मिले, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर देखें यूपी के बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यूपी के बच्चे यूपी में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यूपी में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप आसानी से फाइट कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब स्टेट हो गए। बट मुझे लगता है कि आप अपने होम स्टेट में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने होम स्टेट में एग्जाम देते हैं तो आप कहीं ना कहीं 5-10 नंबर आपको इम्प्रूव है देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 5-10 नंबर का नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट में कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो मुझे सबसे सेफ स्टेट लगता है वो अभी के हिसाब से मुझे बिहार लगता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे करेंगे ना कि झारखंड के जो बच्चे होंगे वो चले जाएंगे यूपी, दिल्ली के जो बच्चे होंगे वो आ जाएंगे यूपी, हरियाणा के बच्चे भी आ सकते हैं यूपी में, हिमाचल प्रदेश एमपी के बच्चे भी यूपी में आ सकते हैं। तो काफ़ी स्टेट के बच्चे क्या करेंगे, वैकेंसी को देख के यूपी में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूपी कहीं ना कहीं ठीक ठाक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, 72 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा, 73 नहीं जाएगा, 70-72 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के वहाँ से एग्जाम निकाल सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक्यूरेसी का मार्क्स मिलता है, बहुत कुछ होता है। अगर एक्यूरेसी सही होगा तो आप 72 तक आसानी से पहुँच सकते हैं। क्लर्क का पेपर है, आसान पेपर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो यूपी में इस बार फॉर्म अच्छे खासे आने वाले हैं, ठीक है, यूपी से। उसके बाद अगर हम तो यूपी उतना सेफ नहीं है, बिहार के अगर आप बच्चे हैं तो बिहार में अप्लाई कीजिए। तो बिहार को मैं रेड के ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से आप समझ सके कि बिहार सेफ जोन में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार के बाद उसके बाद बिहार के बाद अगर हम बात करें कि कट ऑफ सेफ कहाँ पे हो सकता है, छत्तीसगढ़ भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सेफ होगा, क्योंकि 60 वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ भी आपको कट ऑफ देखिएगा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी आपको कट ऑफ कम देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया मैंने छत्तीसगढ़ को। और उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गुजरात से अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर गुजरात का कट ऑफ ज़्यादा गया था, इस बार गुजरात का हो सकता है कि आपको कट ऑफ सबसे कम देखने को मिले, ठीक है, गुजरात का कट ऑफ कम देखने को मिले। और अगर चौथे नंबर पे कहीं जाएंगे तो महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 3 स्टेट होना चाहिए वो बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जिसमें गुजरात का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जाएगा, उसके बाद आपको बिहार का देखने को मिल सकता है। तो इन सब स्टेट, इन तीनों स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कीजिए, सभी जगह ठीक ठीक वैकेंसी है, आप उसमें फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तीनों ईयर का भी कट ऑफ को देख के भी ये डिसीजन ले सकते हैं, बट मुझे जो लगा मैंने अपने अपना सजेशन आप लोग को दिया। अब आप लोग का जो इच्छा हो उस स्टेट से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको जाते जाते इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने होम स्टेट से
कोशिश कीजिए अप्लाई करने का, नहीं होता है तो आप देख सकते हैं जो मैंने स्टेट बताया, या अपने मन से भी किसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।